बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा। अगर आप अपने जायज़ कैश के इजी पैसा के अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजी मेथड है। आप बहुत ही आसान तरीके के साथ एक चंद एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपने जायज़ कैश के जो जितने भी पैसे हैं आप अपने किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट में आसान तरीके के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम चलते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की जानिब। तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको बिना जायज़ कैश ऐप यूज़ किए मैं आपको मैन्युअली तरीका बताऊँगा। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है तो उसके बगैर भी आप ये सारा मामला कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको जायज़ कैश आपके अकाउंट से अगर दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का आसान तरीका आपको इंशाल्लाह मैं आपको सारी इस वीडियो में समझा दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम यहाँ पर *786# डायल करेंगे। जैसे हम *786# डायल करके यहाँ पर कार वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। उसके बाद ये आपके सामने एक नया पेज शो हो जाएगा जहाँ पर सेंड मनी एक पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद तीन नंबर हमें बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट बैंक करेंगे और फेवरेट तीन पे हमारा फेवरेट बैंक हमें नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे क्योंकि पहले से मैंने वहाँ पे सेटिंग करके रखी हुई है। उसके बाद फ़ंड ट्रांसफ़र टू फेवरेट तीन नंबर पे हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे मेरा अकाउंट नंबर शो हो गया है। मैं यहाँ पर एक के क्लिक कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर वो अमाउंट मांग रहा है। मैं यहाँ पर 50 रुपये कर दूँगा आपको समझाने के लिए, वैसे आप कितने भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना 50 रुपये डायल कर लिया। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर मांग रहा है जिसका आगे अकाउंट नंबर है, तो आप उसका जिसका अकाउंट नंबर है उसका मोबाइल यहाँ पर डायल कर लें। जैसे ही आप डायल कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर शो हो जाएगा कि क्या आप वाकई इस नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस अकाउंट नंबर पर। तो यहाँ पर वो देख सकते हैं कि मलिक अब्दुल सत्तार के नाम से पंजाब बैंक का अकाउंट नंबर और तमाम चीज़ें वो शो हो चुकी हैं और वो बता रहा है कि 30 मिनट में आपका ये सारा मामला हो जाएगा और ये आपने अपना पासवर्ड डायल कर देना है। जैसे आप पासवर्ड इंटर करेंगे तो ये देखें वो बता रहा है कि 30 मिनट की जो ड्रानिया होगा जो जायज़ कैश ने नया अपना मामला शो किया है तो आपके पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मैसेज भी रिसीव हो चुका है कि आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अब आपको चंद मिनट में वो आपको 30 मिनट में आपको जो मैसेज है वो रिसीव हो जाएगा। अच्छा, तो पैसे सेंड होने के बाद मुझे मैसेज भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जहाँ पे वो बता रहा है कि मलिक अब्दुल सत्तार हैज़ बीन सेंड 50 रुपये आपके अकाउंट में जायज़ कैश। उसके बाद जीमेल पे भी मुझे मैसेज आ जाता है और नीचे पंजाब बैंक में मुझे जो पैसे रिसीव हुए हैं वो सारा मामला मुझे आप देख सकते हैं मुझे मैसेज आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसान तरीके से। जी दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको मैं मुकम्मल गाइड कर चुका हूं कि आप कैसे अपने जायज़ कैश के अकाउंट से किसी भी दूसरे अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी मामले में कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके कमेंट में आपके तमाम रिप्लाई का जवाब दे दूँगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।